हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीआरडी एजुकेशन सोसाइटी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है जीआरडी एजुकेशन सोसाइटी। तो आज हम करेंगे हमारी नेक्स्ट जो सा टॉपिक है। सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, हमें चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हमें नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप चैनल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा रहा है, हम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी नई ड्राइंग। तो आप ड्राइंग देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ये ड्राइंग हमारी आ गई है। तो देख रहे होंगे कि हमने की ऊपर वाली जो सी डायग्राम है वो हम बना चुके थे पहले वाली वीडियो में। तो आज हम नीचे वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जो सी आज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, तो हम वहाँ पर हम नीचे वाली हम जो सी है वो डायग्राम बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले अपना ऑटो कैड है जो सा वो ऑन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि हमारा ऑटो कैड ऑन हो चुका है। हमें सबसे पहले स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, हमने स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करके आप देख रहे होंगे कि हमारा ग्राफ है जोन सा वो खुल गया है। तो हमें वही काम करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ग्राफ के यूनिट्स सेट करने पड़ेंगे, ड्राइंग के यूनिट्स लेने पड़ेंगे हमें। तो मैं ये प्रोसीजर है जोन सा 0.00 और एंगल का प्रोसीजर 0.00 ले लेता हूँ। हम मैकेनिकल ड्राइंग बना रहे हैं, इसके लिए हम मिलीमीटर में क्लिक कर लेंगे, देन हम कर देंगे ओके। देन हम नेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे हमारी लिमिट्स। जो लिमिट्स आ जाएगी तो हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे LIMITS। तो आप देख रहे होंगे लिमिट्स मैंने एंटर किया है। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पूछ रहा है वो रखूंगा मैं 0 टैब 0 और अपर राइट कॉर्नर के मैं रख लूंगा 150 टैब 150। देन एंटर, देन हम एंटर करेंगे हमारी कमांड जूम। देन उसके बाद हम एंटर करेंगे ALL। आप देख रहे होंगे कि मैंने ड्राइंग के यूनिट्स, ड्राइंग का ग्राफ, जूम और सब एक तरीके से सेट कर लिया है। तो मैं शुरू करता हूँ हमारी डायग्राम। तो हमने नीचे वाली डायग्राम बनानी थी, तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है रेडियस, हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो वो हम सबसे पहले बना लेंगे हम रेडियस, और रेडियस कितने का आएगा लिखा हुआ उन्होंने 10 का रेडियस आएगा। तो हम ऑटोकैड पर जाके तो वहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, हमें 10 का रेडियस एंटर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि हम ऑटोकैड पर आ चुके हैं। तो हम सर्कल पर जाके हम सेंटर रेडियस को सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट हम उठा लेंगे, तो वहाँ से हम क्या करेंगे एक सेंटर रेडियस ड्रॉ कर देंगे। तो उसका डायमेंशन क्या रहेगी हमारी 10 mm, मतलब 10 का रेडियस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स मैंने 10 का रेडियस ड्रॉ कर लिया है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेनी पड़ेगी फिर से डायमीटर। तो वो रहेगा हमारा सेंटर डायमीटर। सॉरी, आप डायग्राम में एक बार देख लीजिए, डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, हमारा 14 का डायमीटर है। जो सा ऊपर वाला नहीं दिया हुआ, नीचे वाला दिया हुआ 14 डायमीटर। तो ऊपर वाला अभी हमारा कितना हो जाएगा, 14 का ही डायमीटर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्कल पर जाके सेंटर डायमीटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके जो सा रेडियस हमने ड्रॉ किया था उसके सेंटर पर हमें क्लिक करना पड़ेगा ताकि हमारा डायमीटर ड्रॉ हो पाए। तो मैंने 14 एंटर किया, तो आप देख रहे होंगे कि 14 का डायमीटर ये लग गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे, अभी आप देख रहे होंगे कि अभी हमने लगानी है लाइन। तो लाइन्स रह गई हमारी ऊपर, तो हमने 2 सर्कल लगा लिए हैं, तो 50 की लाइन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले 50 की लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के, सेकंड क्वाड्रेंट से। ये जो से कॉर्नर्स होते हैं 90 डिग्री, 80 डिग्री, 180, 270, ये होते हैं क्वाड्रेंट्स हमारे। तो मैं लाइन ले लेता हूँ। तो मैं लाइन क्या करता हूँ, लाइन दिया मैंने, तो लाइन कमांड एंटर की मैंने, तो मैंने क्वाड्रेंट पॉइंट आप देख रहे हो लिखा हुआ है क्वाड्रेंट। तो मैंने वहाँ से लाइन सेलेक्ट की और नीचे मैं कितना लेके जाऊँगा, और डायग्राम पर लिखा हुआ था 50, तो 50 मैं नीचे ले जाऊँगा। तो 50 की डायग्राम लाइन ड्रॉ हो गई, आप देख रहे होंगे। तो इस तरफ भी कितना था 50, तो मैंने ये भी कितना ड्रॉ कर लिया 50। तो अभी हमारे रह गए हैं नीचे वाले सर्कल बनाने। मैं आपको डायग्राम पर एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि नीचे लिखा हुआ है 14 का डायमीटर दिया हुआ, पर बाहर वाला नहीं दिया। तो ऊपर वाला हमें दिया था, बाहर वाला दिया, अंदर वाला नहीं दिया। तो ये भी हमारा बाहर वाला कितना हो जाएगा, रेडियस 10 का हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1/2 10 लाइन लेनी पड़ेगी ऊपर की तरफ ताकि हम रेडियस ड्रॉ कर पाएं। तो मैं क्या करूँगा कि इसके कॉर्नर से, इसके एंड पॉइंट से मैं 10 की लाइन ऊपर की तरफ ले लूँगा। देन मैं एंटर करूँगा 1 0 10, ताकि हमारी जो सी ये हमारी थी रेफरेंस लाइन हमने क्यों नहीं, ताकि हम एक सेंटर रेडियस ड्रॉ कर पाएँ, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम एक सेंटर रेडियस ड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं आप देख रहे हैं कि मैंने सेंटर रेडियस पर क्लिक किया, तो मैं सेंटर रेडियस लेने जा रहा हूँ। तो मैंने ये रेडियस ले लिया 10। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये प्रॉपर तरीके से हमारा सर्कल बन गया है। तो हमने जो सी रेफरेंस लाइन ली थी वो हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमने एक इसकी सर्कल की हेल्प, मतलब सर्कल बनाने के लिए उस लाइन की हेल्प ली थी बस। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने अंदर वाला सर्कल ड्रॉ करना है, वो कितना दिया हुआ है 14 डायमीटर।
तो फ्रेंड्स मैं अंदर वाला सर्कल ड्रॉ कर लूँगा, वो मैं सेंटर डायमीटर से लेके, तो मैं अंदर वाला सर्कल से क्या कर लूँगा, मैं 1414 मतलब एंटर कर दूंगा, तो हमारा 14 का वो डायमीटर लग जाएगा। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि हाफ मैंने डायग्राम कंप्लीट कर लिया, तो बस हाफ हमारी डायग्राम रह गई है। तो वो हमें क्या कैसे करनी पड़ेगी, दो लाइन्स रह गई, आप देख रहे होंगे एल की शेप में, वो क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन हमें हमें उस क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ मिलानी पड़ेगी, इंटरसेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ नीचे, कोई भी फेक लाइन ले लीजिए आप, जितनी भी ले लीजिए, तो मैं नीचे तक ले लेता हूँ। देन मैं फिर से लाइन कमांड पर जाके तो मैं उसके क्वाड्रेंट पॉइंट से एक लाइन ले लूँगा राइट साइड की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों लाइनें ले ली हैं। तो मैंने आपको एक बार कमांड कराई थी जिसका नाम था ट्रिम, TR ट्रिम। ट्रिम क्या करती है, दो इंटरसेक्ट लाइनों को वो ट्रिम कर देती है, जो उनसी इंटरसेक्ट हुई हो आपस में, मतलब बाहर वाला हिस्सा उसका ट्रिम हो जाता है। तो आप फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि ये डायग्राम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसे ही ये डायग्राम बनेगी। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही डायग्राम आपको, नई नई डायग्राम है जोन सी, वो 2D 3D में, आगे आने वाले टाइम में मैं 3D भी लेके आऊँगा, तो 3D में आप बन पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।